बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान का आज 53वां जन्मदिन है। किंग खान की एक झलक और उन्हें जन्मदिन की शुभकामना देने पूरे हिंदुस्तान से उनके चाहने वाले इस वक्त मुंबई के बांद्रा स्थित इनके निवास स्थान मन्नत पर पहुंचे हुए हैं। इनकी एक झलक पाने को कई लोग कल रात से उनका इंतजार कर रहे हैं। आइए आंखों देखा हाल जानने के लिए हम सीधी बात करते हैं मीत चौहान से। मीत, सबसे पहले ये बताइए, आज शाहरुख खान का जन्मदिन है, मन्नत के पास किस तरह का माहौल है? जी, मन्नत के पास आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बहुत अलग अलग जगहों से लोग आए, भारत में से कोई पुणे से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब साइड से आया है, यहाँ तक कि भारत के बाहर से इंडोनेशिया से भी बहुत सारे लोग आए। बहुत सारी भीड़ है और यहाँ पे एक बार लाठीचार्ज भी हुआ है, तो थोड़ा सा है, भीड़ है इस वक्त। अभी शाहरुख सर आए नहीं, अभी थोड़ी देर में आने की संभावना है। अभी करीबन कितने लोग होंगे वहाँ पर इस वक्त? इस वक्त यहाँ पर बहुत लोग हैं, अगर देखने जाए तो अनगिनत है, अगर अंदाज़ा लगाने जाए तो करीब करीब 5,500 या 6,000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे इस वक्त। किस तरह का सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वहाँ पर? सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, शाहरुख सर के अपने बाउंसर्स यहाँ पर खड़े हैं और लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों के लिए एक मिरिंडा, एक बिस्लेरी की बोतल और एक लेस का पैकेट अलग से बनाकर दिया गया है। मीडिया वालों को, सारे मीडिया वालों को एक ये सब दिया जा रहा है, बिस्लेरी वगैरह, तो सारे व्यवस्था है यहाँ इस वक्त। क्या उम्मीद है, शाहरुख कब तक आएंगे घर के बाहर? यहाँ पर अभी सारे बाउंसर और पुलिस वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो लग रहा है कि अभी आने ही वाले हैं और यहाँ पर आ ही रहे, तैयारी हो गई है ऊपर सारी, किसी वक्त आ सकते हैं। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही, रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है, लेकिन अब नहीं। भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है?
आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जे लोगों ने, जे लाभार्थियों ने आ योजना नो लाभ मिले से, ये शिवाय पण जेनी आवक मर्यादा 1 लाख करता वधु से, एवा संघ प्रदेश ना नागरिकों माटे पण आ योजना में लाभ लई शकाशे। आशा राखू छू कि आप पण आ योजना नो लाभ लेशो, साथे साथे आ योजना अंतर्गत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करी शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये योजना जो है जो एक घर के किसी एक लाओ बिजली बचाओ। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। oh. और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दमन द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मलेरिया रोधी कार्यक्रम के दौरान मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करें, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, छोटे छोटे गड्ढे, बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम, डिब्बे, नारियल, टायर, गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दें, मच्छरदानी में ही सोए, घर में दवा का छिड़काव करवाए, बुखार आने पर खून की जांच कराए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी।